फर्स्टली सर थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाले एडियो टॉक्स के लिए, सो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट सर. हेलो एवरीवन, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग टू कम टू नो कि ये क्लास लेक्चर में आके मेरे से पढ़ते थे और आज इन लोग इतना बड़ा कहीं पे काम करते हैं. मोर पावर टू द वुमेन्स. उनका बहुत मैं उनके साथ थोड़ा सा मजाक ज्यादा करता हूँ, बट आई थिंक दैट रियली वुमन पावर में एम्पावरमेंट इज समथिंग बिग एंड वी शुड रियली, क्योंकि हम लोग का बहुत बड़ा फोर्स है. इंडिया का 50% पॉपुलेशन काम नहीं करता था, तो इंडिया का जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता था, बट नाउ पीपल लाइक यू, यंग पीपल लाइक यू आर रियली डूइंग इट. इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. Today the topic would be national education policy. जैसे national education policy recently launched किया है government ने, and it has been in the news for both its advantages as well as disadvantages. तो sir हम लोग कुछ points को लेकर आज इस पे बात करना चाहेंगे. तो sir firstly vocational courses introduce किया गया है, but there is a fear that it might push students to minimal education and low level jobs. So sir, what do you think about it? Chali, now coming to the track of new education policy. Jo aapne question pucha, main usse pehle aapko batana chahta hu, new education policy aaya kab? Abhi aaya. Kitna saal baad? 35 years baad. Mazak ho gaya yaar, 35 years baad naya education policy aaya hai. It's not done. World kahan se kahan chala gaya hai? आपको पता है सीबीएसई ने बुक्स चेंज किया है, अभी कितने साल बाद बुक्स चेंज करेगा, अभी भी करेगा, कितने साल बाद? 15 साल बाद. 2005 में लास्ट बुक्स पब्लिश हुए थे, 2005 में. इमेजिन 2005 में स्मार्टफोन नहीं पैदा हुए थे उस टाइम. हम लोग किस एरिया का बुक पढ़ रहे हैं, किस एरिया का हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं? सो दिस वॉज बैडली नीडेड, बैडली रिक्वायर्ड, एंड इट्स कम एट अ गुड टाइम. देखिए इसमें टाइम लगेगा. आपने बोला वोकेशनल ट्रेनिंग और ये सब के बारे में. देखिए मैंने हमेशा कहा है, तोते आसमान में अच्छे लगते हैं, क्लासरूम में अच्छे नहीं लगते हैं. हम लोग तोते बन गए हैं, रटी जाते हैं, रटी जाते हैं. अरे हिस्ट्री रट लिया ठीक है, ज्योग्राफी रट लिया, इकोनॉमिक्स कैसे रटे आदमी? वो तो लॉजिक है, समझना चाहिए उसको. नहीं, वो भी रट लेते हैं. सो दिस वोकेशनल ट्रेनिंग जो आदमी लोग बोल रहे हैं कि एकेडमिक्स के साथ कोई स्किल ऐड करो, स्किल्स. मैंने कहीं पे पढ़ा कि उन्होंने बैगलेस डेज बोला है. बैगलेस डेज मतलब ऐसा टाइम, ऐसा स्कूल्स में डेज होंगे मंथ में एक या दो, या मई साल में 5-10 हो, तब विदाउट बैग स्कूल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जाके उन लोग को सिखाएंगे, स्किल देंगे, चाहे कारपेंटिंग हो, चाहे गार्डनिंग हो, कोई भी तरह का वोकेशनल अच्छा रहता है. क्या पता कभी किसी को इंटरेस्ट आ जाए, काम आ जाए. सो आई थिंक वोकेशनल ट्रेनिंग इज वेरी नाइस एंड इट शुड बी एनकरेज्ड, बिकॉज अकेडमिक्स तोते बना रहे हैं हम लोग को, और हम लोग को इंसान को लॉजिक और स्किल हासिल करना बहुत जरूरी है. तो सर इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने क्लास 6 में कोडिंग भी इंट्रोड्यूस किया है. ऑलरेडी वी सी की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन सेक्टर में, द लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स. तो सर डू यू थिंक ये पॉसिबल है? देखिए सबसे पहला बात आया कोडिंग का. कोडिंग क्या है? इट इज द एंटायर वर्ल्ड इज डिजिटल. हर बच्चा और कुछ सीखे नहीं सीखे, डिजिटल तो सीख ही जाता है. तो अगर डिजिटल इन है तो व्हाई नॉट द थिंग बिहाइंड इट, दैट कोडिंग सीखना चाहिए ना. नहीं तो हम लोग डम है, सिर्फ खेले जा रहे, गेम खेले जा रहे, जो बना रहे हम लोग खेले जा रहे, खेले जा रहे. बट अगर हम लोग को इसके पीछे का पता चल जाए तो बहुत इजी है. कोडिंग इज वेरी वेरी गुड आइडिया, बिकॉज नाउ एज दे से, मैंने कहीं पे पढ़ा था, टेक इज द न्यू टोबैको. या टेक हम लोग को आदत पड़ गया बचपन से, तो भी टोबैको तो आदमी लोग बड़ा हो जाता थोड़ा सा स्वैग में मस्ती करने के लिए लेता था. टेक तो आजकल एक साल का बच्चा भी आजकल वो फोन के साथ ही खाता है. पॉइंट ये, कोडिंग इज वेरी गुड बिकॉज कैच देम यंग होता है, आगे अभी कराएंगे, धीरे धीरे सीखेगा. अब आप बोल रहे हैं कि टीचर का, देखिए ये आप यहीं पे टेक्नोलॉजी का काम है. देखिए गांव गांव में सेकेंड टीयर थर्ड टीयर में मानता हूँ कि बहुत जगह आप वो कोडिंग वाले नहीं पढ़ा पाएंगे, टीचर नहीं होंगे अच्छे, बट टेक्नोलॉजी आ रहा है ना. अगर टेक्नोलॉजी आ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, फिर इंसिस्टिंग, तो क्या होगा? वहीं पे ऐप बन जाएगा दिल्ली में सीबीएसई का या एजुकेशन गवर्नमेंट में, और वहां पे क्या करेंगे, वो ऐप में उन लोग वो क्लासेस डाल देंगे. फिर इजी है, बेस्ट ऑफ द टीचर्स अवेलेबल एट द टिप, और अगर आ गया तो सीख जाएंगे आदमी लोग. व्हाई नॉट, दिस इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी. आज भी हम लोग सारे जन लगे हुए फोन पे, सारा एक्सपर्ट हो गया, बट वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, फेसबुक तो आज डिलीट हो गया, देखिए यंगस्टर करते रही है, इन सब यूट्यूब और नेटफ्लिक्स में लगे. तो अगर टेक्नोलॉजी इतना खराब हो रहा है तो अच्छा भी यूटिलाइज हो सकता है कि हम लोग उसको ऐप में डलवा देंगे, और ऐप में डल जाएगा तो सबके लिए इजी हो जाएगा. देखिए
So also national education policy bola jata hai ki it will improve critical thinking and it will help the students to be to go towards that. So sir, kaise sir? What do you think? जो मैंने पहले लाइन कहा, तोते आसमान में अच्छे लगते हैं, तोते यहाँ पे अच्छे नहीं लगते हैं. ये हो क्या रहा है? हम लोग सेम चीज पढ़ा रहे हैं. थ्री इडियट्स का मिलीमीटर सेंटीमीटर जो पियोन था, फर्स्ट सीन जो उसका था, उसको याद करिए. वो अगर वीडियो में आया था, वो जैसे वो सीन फर्स्ट सीन आया था, उसने पहले ही बोल दिया था इतना असाइनमेंट का, इतना होमवर्क का, ये रेट है. उसको पता है कि हर टीचर एक ही काम देगा, हर बैच को एक ही काम मिलता है, एक ही होमवर्क मिलता है, एक ही असाइनमेंट मिलता है, और उसको पता है क्या करना है. तो वी वर क्रिएटिंग पैरट्स. क्रिटिकल थिंकिंग था ही नहीं, हम लोग सोचते ही नहीं थे. इसी बार मोदी जी ने भी कहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है कि हम लोग को ब्रेन लगाना पड़ेगा. अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा. मतलब क्या है? अब सोच रही, देखिए क्या होता है, जो सबसे फास्टेस्ट रनर होगा वही जीतता था रेस, जो बेस्ट बैट्समैन होगा वही ज्यादा रन बनाता था. पर पढ़ाई में क्या होता था ना, जिसका सबसे ज्यादा ब्रेन चलता था ना, वो नहीं फर्स्ट आता था. जो बहुत डेडिकेटेड था, डिवोटेड था, वो अच्छा नंबर ले आता था. जब इसमें कोई खराबी नहीं है, दैट इज गुड ओनली बिकॉज दैट पर्सन इज सो डेडिकेटेड, वो 10 घंटा पढ़ता है. बट जो जो स्टूडेंट का दिमाग ज्यादा तेज है बट वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, 1 घंटा ही पढ़ता है और उसको सब समझ में आता है, और वो रटता नहीं था, और रटने के बाद वो लिख नहीं पाता था, इसीलिए इसको कम आता था. अब वही बनेगा, उसका दिमाग तेज होगा. तो रटने वाला सिस्टम के ऊपर सबसे ज्यादा ऑफर दिया कि रोट लर्निंग अब नहीं चाहिए हम लोग को. असाइनमेंट्स दो, केस स्टडी दो, प्रोजेक्ट वर्क दो. आज उसी से, आज मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया नॉलेज कैप्सूल्स, मैं अपने क्लास कराता हूँ इकोनॉमिक्स. मैंने आज ही देखिए, विद ऑल ड्यू मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी आई से, ये तो नया आज आया है, लेकिन मैं तो इसको तब से कर रहा हूँ, मैं तो इसको लास्ट 10 साल से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. मैंने उनको ये कहा कि आपको जैसे मैंने एक तो स्टोरी बता दिया, वेनेजुएला का इन्फ्लेशन 1 करोड%, मैंने बताया हेलीकॉप्टर मनी, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, सबको जानते हैं हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, गूगल करके निकालो. यू हैव टू रिसर्च योर सेल्फ. आज बुक में आपको इतना दिया हुआ है, वो भी 15 साल पुराना बुक, जो लिखा हुआ है वही आप लोग पढ़ लिए. अगर मैं आपको रिसर्च करने दूंगा तो आप खुद सोचोगे, आपको उसका पर्सपेक्टिव मिलेगा. मैंने उनको वेनेजुएला का एक तो स्टोरी बताया कि 1 साल पहले वहां पे 1 करोड% इन्फ्लेशन था, हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स था, एंड इट वाज इन डोल्ड ड्रम्स, एंड हाईएस्ट क्राइम, इट वाज अ क्राइम कैपिटल, क्रैकर्स उसका था. सबको बोले कैसे हो सकता है जिसका कंट्री का ऐसा होगा. बट फिर मैंने कहा 1 साल पहले था. अब 1 साल के अंदर क्या चेंज आया है वो आप लोग रिसर्च करके मेरे को 5 सेंटेंस दो. That is called critical thinking. खुद analyze करो, खुद research करो, खुद analyze करो. क्या पता अपने आप ये तो नया book लिख दो. So that is critical thinking that is required. मैं आपको बताता हूँ क्यों ये critical thinking कभी आता नहीं है. Teachers are teaching the same old thing because same book है. आज मैं बताता हूँ demand, supply, production, cost, economics का जो 50 साल पहले था आज भी वही है, 50 साल बाद भी वही होगा. जो मैंने कहा millimeter, centimeter वाला same चीज करा रहे, but उससे development नहीं होता growth का. Teachers are also not are reluctant to change because सब कोई मार्क्स के पीछे लगे हुए. प्रकाश जावड़ेकर हम लोग के मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थे 2 साल पहले, उन्होंने नया प्रोग्राम लॉन्च किया था. उन्होंने खुद का आप गूगल करें आपको मिलेगा, प्रकाश जावड़ेकर ने एक तो वीडियो बनाया था, उसके अंदर भेजा था. एवरी सेक्टर के आदमी को अपना असेसमेंट करवाना पड़ता है. उसने कहा अ प्लेयर इज नोन बाय द लास्ट फ्यू मैचेस ही प्लेड, अ एक्टर इज नोन बाय द लास्ट फ्यू movie that is released on Friday. A student is judged by the exams that he gives. A politician ko bhi bol, unhone khud kaha ki politician ke pass baad election deke apna assessment karwana padta hai. People judge karte hai. But unhone kaha, teachers is the only profession jahan pe normally assessment nahi hota hai. They're teaching the same thing. And that is why I find ki wo same old stuff padhate, 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 padhate is becoming parrot ban ja rahe hain. Ab critical thinking ka time aa gaya. Ab MCQs lo. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलो, दिमाग लगाओ, जो दिमाग में तेज होगा वही जीतेगा. इसीलिए मैंने कहा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा. इसलिए मेरे को लगता है क्रिटिकल थिंकिंग, रोट लर्निंग को डिस्करेज करना और क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना इज द बिगेस्ट फैक्टर इन दिस न्यू एजुकेशन. सो इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हाईलाइट किया गया, दैट इज द यूज ऑफ मीडिया, लोकल लैंग्वेज एज मींस ऑफ इंस्ट्रक्शन. So, what do you think? देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था, आप भी गूगल करोगे तो आपको मिलेगा. There's a study that Indian people, Indian youth, Indian बच्चा लोग का दिमाग और comparatively सबसे अच्छा है. क्यों?
बोलते जो बच्चा लोग दो तीन लैंग्वेज एक साथ सीखते हैं बचपन से, उनका दिमाग ऑटोमेटिकली शार्प हो जाता है। और आप लोग को पता है, जैसे मैं कलकत्ता में रहता हूँ, तो मैं क्या हूँ, हिंदी पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और संग में बंगाली भी पढ़ता हूँ, थ्री लैंग्वेज एट द सेम टाइम, मल्टीलिंगुअल। पंजाब में जो है वो हिंदी पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, पंजाबी भी पढ़ता है, थ्री लैंग्वेज। तो बोलते हैं ये एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडियन यूथ को कि वी आर लर्निंग मल्टीलिंगुअल, होने से हम लोग का ब्रेन शार्प होता है बचपन से, एंड दैट इज गिविंग मी अ लोड्स ऑफ एडवांटेज। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप स्टडी करोगे तो आप मिलेगा, गूगल में मिलेगा। तो मैं जो आदमी लोग बोल रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज, देखिए क्या होता है, जैसा देश वैसा भेष, सीखने में कोई हर्जा नहीं है। अब हम लोग के पास, हाँ ये जरूर है, हम लोग इंग्लिश को अगर डिस्करेज करेंगे फॉर वॉट एवर रीजन, भाई हम लोग को पेट्रियोटिज्म दिखाना है, तब मेरे को लगता है ठीक नहीं है। हम लोग का कॉम्पिटिशन है चाइना से, चाइना सब चीज में हम लोग से जीतता है, चाइना एक ही चीज में हारता है, हम लोग के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ इंग्लिश पीपल है इन द वर्ल्ड है, चाइना वहां पे हार जाता है जहां पे हम लोग का एडवांटेज है। सो मल्टीलिंगुअल मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ बस इंग्लिश को डिस्करेज नहीं करें, मतलब इंग्लिश नहीं हिंदी हम लोग के ऊपर बोला जाए कि वही मदर टंग में हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स पढ़े, वो नहीं। अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड वी ऑल शुड डू इट, इट्स नो हार्म डन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया मल्टी लैंग्वेज होने से ही। अब कह रहा है कि मैंने कहीं पर पढ़ा कि तीन लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप पंजाब में हो, अगर आपको तमिल सीखना है, वापस मैंने कहा अब पंजाब में तमिल वाला तो कोई टीचर मिलेगा नहीं तमिल लैंग्वेज, लेकिन आपको सीखना है, आपको मजा है, आपको कोई आपको हिस्ट्री का चाहे कि वहां पे जाके करें, तो क्या है वो ऐप यूज हो जाएगा, ऐप तमिल का कोई टीचर वहां पे ऐप डाल देगा एजुकेशन पार्ट में, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और फॉरेन लैंग्वेज तो मेरे को लगता है जरूर ही सीखना चाहिए, क्योंकि जो भी है, तो दिस इज द वे टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करके एट अ यंग एज वी शुड डू ऑल दिस, एंड टेक्नोलॉजी, और हम लोग को लगता है टेक्नोलॉजी विल हेल्प अस इन डूइंग इट। राइट, सो सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंसीडर करना चाहिए था? देखिए मेरे को एक तो चीज लगा कि और तो सब ठीक है, देखिए इट विल टाइम कंज्यूमिंग, कोई जल्दी होने वाला नहीं है, आज का जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसके टाइम तक लगेगा, 2030 तक चलेगा, 2040 में बोलते हैं सब होगा, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट द जर्नी ऑफ 1,000 miles स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, रोम वाज नेवर बिल्ट इन अ डे, सो एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड टू मेक। आपने जो पूछा कि और क्या हो सकता, मेरे को लगता है कि ये जो प्रैक्टिकलिटी और थोड़ा आना चाहिए था। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी सब में आ गया, फाइनेंशियल लिटरेसी सबको पढ़ लिया, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं आया, खुद रुपया कहाँ पे इन्वेस्ट करो, बैंक अकाउंट खोलो, तो मेरे को लगता है 11-12 में जाके ना एक तो चीज आना चाहिए था कि भाई उनको अकाउंट खुलवाने का, कि अपना खुद का डीमैट अकाउंट खोलो, खुद जाके प्रोसेस करो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमको लगता है चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सीए में हो, ये भी अगर आता ना तो आई थिंक दैट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी आई थिंक इज लैकिंग। ठीक है अभी स्टार्ट हुआ है, स्लो एंड स्टडी हो जाएगा, कि खुद अपने हाथ से, हम लोग सेबी पढ़ते हैं, शेयर मार्केट पढ़ते हैं, जो कॉमर्स कर रहे हैं उन लोग को सब पता रहता है, पढ़ लेते हैं, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं जानते, तो हमको लगता है वहीं पे इन लोग एक तो रियल लाइफ उनको रियल लाइफ बट विद मॉक ट्रेडिंग करवाते, तो आदमी लोग को समझ में आता है कि सेबी क्या रोकता है क्या नहीं रोकता है, अकाउंट कैसे खुलता है, ये सब चीज हमको लगता है कि और थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के ऊपर आइडिया दे, बट एज आई सेड धीरे धीरे है, और यही कुछ चेंज कर रहे हैं लोग, धीरे धीरे लाएंगे और चेंज हो जाएगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम आई गेस, बट एटलीस्ट जर्नी हैज स्टार्टेड, इट्स अ रेवोल्यूशन, दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अ रेवोल्यूशन। जैसे एक तो रेवोल्यूशन छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो सोचा गया, जैसे बटरफ्लाई आता है कैटरपिलर से, कौन जानता है, टैडपोल से एक तो फ्रॉग आता है, कोई कनेक्शन नहीं बट निकलते हैं, इसी तरह से ये भी एक तो पॉलिसी है, इट विल इवॉल्व एंड स्लोली इट विल कम आउट गुड। होने के लिए तो बहुत चीज और हो सकता था, होने के लिए तो मेरे को लगता है बहुत चीज और आ सकता था, बट मैंने कहा ना इंडिया जो है इतना बड़ा कंट्री है ना, और सबसे बड़ी बात क्या ना कि अब उसको घुमाना बहुत मुश्किल है। आप समझिए एक तो स्लीक स्लिम कोई गाड़ी हो, बाइक हो, उसको तो हम लोग यू टर्न करके घुमा सकते हैं, बट एक तो बहुत बड़ा प्लेन जहाज है उसको घुमाना इतना इजी नहीं है, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इन दैट प्रोसेस जो जो बीच में हम लोग को लगता है प्रॉब्लम्स है वो और सॉल्व हो जाएंगे, बट एटलीस्ट इंटेंशंस आर गुड। मैंने फिर बोला मैं कोई मोदी जी राहुल जी या कोई मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ममता जी का कोई, आई डू नॉट वॉन्ट टू इंक्लाइन यू पॉलिटिकली इन एनी मीन्स, मेरा पर्पस यही है, मेरा मैंने यही बोलना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट काम ठीक चालू हो रहा है,
लेट अस सी हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड. हो सकता है आगे जाते जाते सब ठीक हो जाएगा. वो बोलते हैं ना कि बहुत फेमस शायरी है, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त बड़ी है, बट मेरे लिए दिल फक्त घड़ी है, हिम्मत रखो जीने के लिए अभी सारी उम्र पड़ी है. It will just be time before everything settles at their particular age. So, एक और concern जो बोला जा रहा है is that कि the NEP is too visionary. कि इसको implement करना in India is not that easy and it might just be another disaster. As I said, it is a not a sleek slim vehicle जिसको turn कर सकते हैं. It's a huge gigantic tanker है जिसको घुमाना बहुत मुश्किल होगा. बट मैं बार बार इंसिस्ट इसी बात पे करता हूँ, इंटेंशंस आर नोबल, इंटेंशंस आर गुड, इट माइट बी विजनरी, बट चेंज इज द ओनली थिंग कांस्टेंट. पीपल रेजिस्ट एंड रेजिस्ट चेंज. इफ वी डोंट चेंज देन वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड. इसलिए मेरे को लगता है चेंज लाना ही चाहिए था. और जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम ठीक नहीं था इन द करंट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड सिचुएशन, बट स्पेशली टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है. अगर 20 साल पहले किसी के पास मींस नहीं थे गूगल करके सर्च करने के लिए, उनको तो बुक प्रोवाइड कर रहा है, बट अब तो सबके पास बुक है यार, अब तो सबके पास सब चीज है, तो नहीं मतलब इंटरनेट है, तो why can't we do a lot of research and then tell teacher कि हाँ ये मैंने रिसर्च किया. असाइनमेंट वैसे ही दिया जाए कि आपको खुद नया रिसर्च करना है, खुद दिमाग लगाने का है. इसलिए मैंने चालू किया ना, मैंने नॉलेज कैप्सूल चालू किया. आप लोग का जैसे नाम है व्हाट्सअप करके, मेरा नॉलेज कैप्सूल है. मेरा कैप्सूल में क्या विटामिन ए सी कभी होता है डॉक्टर गोली देता है, पर लगा कि नॉलेज की कमी है, इसलिए मैंने नॉलेज कैप्सूल चालू किया कि गोली खा लो. और उसी के अंदर मैंने सोचा ये सबसे बढ़िया चीज है कि जो आप बोले कि विजनरी है, सोचो समझो, विजन हाई रखोगे तब तो कहीं बोलते ना, इफ यू एम फॉर द स्टार्स एट लीस्ट यू विल लैंड ऑन द मून, या उल्टा है शायद, इफ यू एम फॉर द मून एट लीस्ट यू विल लैंड अप इन द स्टार्स, होना उल्टा चाहिए, लेकिन जो भी है स्टार्स दूसरा भूत पास है, तो व्हिचएवर इट इज दैट इज द वे आई थिंक एट लीस्ट इट इज अ गुड स्टार्ट. Sir, thank you so much for your time, sir. Thank you so much. I only wish that आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. Awesome करके जो organization है, मैंने इनके बारे में देखा. It's very nice. They're spreading knowledge, and I think with all due humility, modesty, ki whatever I am today, it is because of knowledge. I went with Raghuram Rajan 10 दिन पहले. मैं उनके साथ live गया था Chicago में. वो भी क्यों मेरे को उन्होंने बुलाया या किसी ने बुलाया? Because उनको लगा मैं knowledgeable हूँ. मैं अपना बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, बट मैं नॉलेज का बड़ाई मार रहा हूँ कि इट इज ओनली नॉलेज विच विल विन. एक तो बहुत फेमस कोट है शायद हरिवंश राय बच्चन का, जो मैं को बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे तो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है. तो आज से ढाल ले गांठ बाल दे कि कर के कुरुक्षेत्र मेरा रूट का बात है, ना झूठ का बात है, ना जाति का बात है, ना बाप का बात है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है. तो नॉलेज इज सुप्रीम, नॉलेज इज पावर, लेट व्हाट मे कम. Whatever knowledge you people are acquiring right now is the ultimate. वो कब कहाँ पे काम आएगा पता नहीं, but that is what is your biggest weapon. So keep sharpening, keep reading, keep following everything. और इन लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसको जरूर जरूर encourage करना चाहिए.